नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित करने में लगे हुए हैं। लगातार 15 साल तक दिल्ली में मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का राजनीतिक जीवन का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम अपने बातचीत का सिलसिला जारी करने से पहले आइए हम डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन के सफर के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश में कई बड़े सियासी बदलाव और ऐलान किए हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित को कांग्रेस की ओर से प्रदेश में सीएम पद कैंडिडेट बनाया गया है। शीला दीक्षित का राजनीतिक सफर बेहद शानदार रहा है। शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब में हुआ। उनकी शादी उन्नाव के IAS अधिकारी विनोद दीक्षित से हुई। वो 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। 2008 में उन्हें भारत की बेस्ट सीएम अवार्ड से नवाजा गया। 2009 में उन्हें पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। शीला दीक्षित 1984 से 1989 तक कन्नौज से सांसद भी रही हैं। इस दौरान वो केंद्र में मंत्री भी रही। शीला दीक्षित 11 मार्च 2014 से 25 अगस्त 2014 तक केरल की राज्यपाल भी रही है। दिल्ली में सीएम के पद पर रहते हुए उनके ऊपर टैंक और कॉमनवेल्थ घोटाले में शामिल होने का आरोप भी लगे। यूपी में करीब 14% ब्राह्मण वोट हैं, जिसे देखते हुए ही कांग्रेस ने शीला दीक्षित पर एक बड़ा दांव खेला है। यह है शीला दीक्षित जी का 45 साल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सफर। शीला जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस की तरफ से, क्या रणनीति है, कैसे निभाएंगे इसको आप? जैसे राजनीति में कोई भी जिम्मेदारी दी जाए उसको निभाया जाता है परिस्थिति के मुताबिक, उस तरह से निभाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और जिले जिले घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, खासकर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, और जो हमें वहाँ हर जगह जो हमें एक उत्साह दिखाई दे रहा है, एक चेतना जो आ गई है, उससे हमारा भी दिल बहुत प्रभावित है, हमारा मन बहुत प्रभावित है, और मुझे उम्मीद है कि ये शुरुआत अंत में फल जरूर लाएगी। शीला जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग 27 साल से सत्ता में बाहर है, कार्यकर्ताओं में काफी निराशा है, तो उन कार्यकर्ताओं में निराशा में आप कैसे उत्साह का संचार करेंगे? देखिए, निराशा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, और अब तो राहुल जी ने भी अपनी यात्रा शुरू करी है, तब वही कार्यकर्ता, क्योंकि अभी भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो अब जाग रहा है, उसमें भी उत्साह पैदा हो रहा है सब लीडर्स को देख कर। तो मेरा ख्याल है ये जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी है और प्रेरित करेगी, हम लोगों को भी प्रेरित करेगी और कार्यकर्ता को भी करेगी। तो जब चुनाव का वक्त आ जाएगा तब कांग्रेस उसी शिखा पर खड़ी होगी जैसे पहले होती। राहुल जी, हमने जो यात्रा निकाल रहे हैं, अभी पिछली बार एक चारपाई पे भी लेके कांग्रेस में काफी बवाल हुआ चारपाई को लेके, ये यात्रा का टोटल रिस्पॉन्स क्या है? कहीं कहीं विरोध भी बहुत हो रहा है, क्या क्या लग रहा है? माफ करिएगा, चारपाई का क्या विरोध है? अरे, चारपाई पे बैठे लोगों ने उठा लिए, वो क्या संकेत देता है कि लोगों में इतनी गरीबी है कि बेचारे चारपाई उठाकर ले जा रहे हैं? इसमें राहुल जी का क्या उस कहने की बात है या कांग्रेस की क्या गलती है? लेकिन लेकर गए, एक ये संकेत है कि किस तरह की गरीबी है यहाँ पर कि लोग अपनी चारपाई भी उठाकर ले जा रहे हैं, उस पर आप नजर मारिए ना। ये कह देना कि ये असफल है या राहुल जी के ऊपर कोई उस पर टिप्पणी करना, मैं समझती हूँ बहुत ही गलत बात है। शीला जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में काफी लीडरशिप है, आप दिल्ली में राजनीति करती थी, 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, तो क्या कारण है दिल्ली से आपको उत्तर प्रदेश में आना पड़ा कि कांग्रेस में नेताओं का अभाव है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश से ही मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, कन्नौज से MP बनी थी, तो दिल्ली फिर रहने लगी, तो दिल्ली में पार्टी का आदेश हुआ, दिल्ली में काम किया। अब यहाँ आदेश हुआ तो कोई यूपी
के लिए ना मैं पराई हूँ ना मेरे लिए पराया है, तो वापस आ गई। उसमें क्या है, मेरा ससुराल है यहाँ पर, मेरा सब कुछ है, मेरे पति यहाँ पर आईएएस के ऑफिसर थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं यूपी से अपरिचित हूँ, तो परिचित हूँ अच्छी तरह से और यूपी के लोग भी जानते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आके कि ये इश्यू क्यों बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। तो कौन बना रहा है, किसके पीछे कौन लोग हैं? अब नेचुरली जो हमारे विरोध में है वो और कुछ नहीं मिल रहा, तो यही सही। लोगों का ये मानना कि कांग्रेस का ही धड़ा इस इश्यू को बना रहा है? नहीं नहीं, बाहरी कोई नहीं है, बाहरी तो किसी ने नहीं कहा। हाँ, मेरी एज के बारे में जरूर कहा है, ये तो बात सही है, लेकिन है भाई, उतनी एक्टिव हूँ जितने और है। जब लूली लंगड़ी हूँ, बीमार पड़ी हूँ, तो मैं मानू कि आप लोग कुछ ऐसी बात कहें कि एक बीमार को या जो चल भी नहीं सकता उसको बना दिया हो, तो ये चीजें, क्योंकि और कोई चीज नहीं मिल रही है तो यही बातें चलनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, आपने कि अभी मेरी एक बड़े किसी विपक्षी आपके दल के नेता से बात हुई, उनका भी ये था कि शीला जी की उम्र काफी हो चुकी है, सभाओं में जाती हैं, यात्राओं में जाती हैं, वो बीमार हो जाती हैं। फिर तो कभी जी कोई नहीं बीमार हुई, तो कैसे संघर्ष? एक दफा, पहली दफा हुई बीमार, वायरल हो गया था वो, वायरल सबको ही हो रहा है, चाहे वो 10 साल का हो चाहे वो 50 साल का हो, कैसा तो वायरल। अगले दिन वापस चली आई थी, जब जैसे ही वायरल ठीक हो गया वैसे चली आई। तो वायरल क्या कोई ऐसा है कि इस उम्र की वजह से आ रहा है या क्या है? चीजें होती हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है, कोई गिर जाता है, कैसा होता है। तो इन बातों को मैं फिर से आपसे ये दोहरा रही हूं कि और कुछ नहीं है कहने के लिए, तो ये कर बातें उठाई जा रही है। लोगों का भी कहना है कि जब दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रही, तब उत्तर प्रदेश के जो लोग जाते थे वो आपसे मिल नहीं पाते थे, उपेक्षित महसूस करते थे, आज फिर आप उत्तर प्रदेश में आके उन्हीं लोगों के सहारे कांग्रेस। ये पता नहीं मुझे आपको कहां से मिली है, जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग आते थे या कहीं के भी लोग, उत्तर प्रदेश के छोड़िए कर्नाटक के भी आते थे या कश्मीर के भी आते थे, सबसे मिलती थी मैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे जाने हुए किसी को मिलने ना दिया हो या किसी को रोका गया। यह हमारे यहाँ था, हमेशा मिलती रही, और जहां तक उनकी सेवा कर सकती थी वो भी करी। हाँ, उतनी नहीं कर सकती थी क्योंकि दिल्ली में थी, लेकिन ये एक आरोप लगाना, मैं समझती हूँ ये ओछे आरोप हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है, ना तो इनमें कोई राजनीतिक फायदा किसी को होने वाला है, अगर जो वो समझते हैं कि उनको बड़ा फायदा होने वाला है इससे, और ना ही सत्य है इसमें। लोग ये भी कहना है कि विपक्षी आपके जो भी आरोप लगाते हैं कि शीला दीक्षित को कांग्रेस ने ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भेजा है, जबकि शीला जी जब दिल्ली में रहती हैं तो पंजाबी पॉलिटिक्स करती हैं, अब यूपी में आके ब्राह्मण पॉलिटिक्स करेंगी, तो ये दोहरा चरित्र कैसा? देखिए, ऐसी बात मैं बता दूं, 15 साल लगातार हमने दिल्ली की शक्ल बदली, कांग्रेस ने बदली, उसकी मुख्यमंत्री मैं थी, उसका उदाहरण देते हुए यहां पर भेजा गया है। और मेरा, मैं हूं एक ब्राह्मण, ये तो नहीं कोई नकार सकता है। तो प्राइमरी जो कारण रहा कि जिसने काम वहां 15 साल लगातार किया, ये नहीं कि ब्रेक हुआ, 5 साल का ब्रेक हुआ या फिर हुआ या ऐसा हुआ, जिसने लगातार किया, हाईकमांड ने ये सोचा और उसका फैसला सलाखों पे। पहले जब चर्चा हुई थी तब ये कहा जा रहा था शीला जी उत्तर प्रदेश में जा रही हैं, आपसे भी पूछा गया था, हम सब लोगों ने, तो आपने कहा नहीं मैं उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊंगी, फिर अचानक एकदम कैसे? देखिए, मेरे से पूछा गया था, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा था, क्या इनडायरेक्टली, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि समय मेरे पास कम है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। लेकिन जब लगा कि नहीं भाई करना चाहिए, और एक ये एक तरह से कांग्रेस का, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, अगर जो मैं इस वक्त कुछ कर सकती हूँ तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं करूँ इसको, और मैं इस कर्तव्य को निभाऊंगी, अच्छी तरह से निभाऊंगी, पूरी जी जान से निभाऊंगी। आपने दिल्ली में जो विकास किए, तो ये कहा जाने लगा था कि शीला की दिल्ली, उस बीच में जो विकास का जो आपने मॉडल तैयार किया, अन्य राज्यों ने भी अपनाया, उस बीच में काफी करप्शन के भी आरोप आपके ऊपर लगे, क्या कहना है आपका? करप्शन के आरोप लगे, सबके राजनीति में एनिमीज होते हैं, सबके विरोधी होते हैं,
करप्शन का एक भी केस साबित हुआ? कहने से क्या है, कोई कह दे आपने कुछ किया है, एक भी केस नहीं, ना सीए कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ, ना अभी कोई टैंकर्स का हो रहा है, कोई भी साबित नहीं हो रहा है, तो कहने से क्या है। आजकल की मैं बड़ी अदब से कहना चाहती हूँ, पर बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि आजकल की राजनीति में कोई किसी के बारे में कुछ भी कह दे, अगर जो उसके पक्ष में है तो उसे पता नहीं देवता बना दे, और अगर जो उसके विरोध में है तो अच्छे से अच्छे को बुरा ठहरा दे। तो ये बातें की गहराई में, और खासकर मेरी आशा यही है कि जहां तक मीडिया है उसको जरूर सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर से लांछन लगा देना या किसी का चरित्र पर उंगली उठा लेना, मैं समझती ये अच्छी राजनीति नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। शीला जी, दिल्ली में आपने निश्चित रूप से विकास किया, इसमें सब विपक्षी भी मानते हैं और मुझे लगता है पूरा देश मानता है। अब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो क्या लगता है कि दिल्ली की तर्ज पे आप उत्तर प्रदेश में विकास करा पाएंगे? अरे डिफरेंट काइंड, डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा और डिफरेंट काइंड ऑफ विकास यहाँ पर चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर है तो उत्तर दिल्ली में तो एग्रीकल्चर ना के बराबर है, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है, तो साइज उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा है। क्या विकास की प्रायोरिटीज हमारी रहेंगी, क्या करना है हमें, किस तरह से हम करेंगे, क्योंकि कुछ रीजन्स ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के ही जो दूसरे रीजन से बिल्कुल तालमेल नहीं रखते हैं। यू नो, उत्तराखंड वो ले लीजिए, पूर्वांचल ले लीजिएगा, वेस्टर्न यूपी ले लीजिएगा, सेंट्रल यूपी ले लीजिएगा, ये सब डिफरेंट हैं, झांसी का एरिया ले लीजिएगा, तो ये सब इन सब को क्या क्या कहाँ की आवश्यकता है। अब आपको मैं एक बड़ी अजीब सी चीज बताऊं कि अभी मैं बनारस में थी, वो तो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, एक भी सड़क नहीं मुझे मिली जहां ये कह सके कि हाँ हम इस सड़क पर चल सकते। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में सड़कें ही ना हो, टूटी फूटी पड़ी हो, गंदगी हो, तो उस उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। तो बहुत सारा काम करने की आवश्यकता होगी, और हमारा मैनिफेस्टो जब आएगा तब हम अपनी प्रायोरिटीज बताएंगे। प्रायोरिटी हर एक के लिए है, हर चीज को करना है, समय जरूर लगेगा, ये नहीं है कि आज हम आए और कल सब जादू की छड़ी हो जाएगी, लेकिन दिक्कतें उत्तर प्रदेश में बहुत है। और उत्तर प्रदेश जो माना जाता था देश का सबसे बढ़िया स्टेट, जितने अफसर होते थे या राजनीति होते थे सब यहीं आते थे, चार चार प्रधानमंत्री यहां से गए, लेकिन आज ये हाल है कि अंत की श्रेणी में दूसरे या तीसरे नंबर पर है। यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आपकी वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियां भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट, और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है, यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। वाओ मिसेस शर्मा, आपके यहाँ तो सब चलता है, पर बिजली ना होना तो हमारे यहाँ तो ना कुछ भी नहीं चलता। तो माइक्रोटेक इंटेली प्योर साइन गेट टेक्नोलॉजी अपनाओ, फास्ट चार्जिंग, लॉन्ग बैटरी बैकअप, बिना किसी नॉइज के अप्लायंसेस चले उम्र भर बेफिक्र। साल के 6,000 और महीने के 500, ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं
इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं भाई, 400 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, जहाँ से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया, ये क्या कम है। समाजवादी पेंशन योजना, गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शीला जी, अभी हम बात कर रहे थे जाति राजनीति की। जाति राजनीति में अगर देखा जाए, कांग्रेस के पास उसमें दलित हुआ करता था, ब्राह्मण हुआ करता था, अल्पसंख्यक हुआ करता था, कुछ पिछड़ी बात जातियां हुआ करती, उसके दम पे कांग्रेस सत्ता में थी। आज आपके पास दलित भी छिटक गया, अल्पसंख्यक भी लगभग नाराज चल रहा है, सवर्णों में ऐसी कोई जाति अभी स्पष्ट नहीं दिख रही जो आपके साथ है, तो क्या गणित आपका है, वोट कहाँ से आएगा? ये देखिए, हम सबको अप्रोच करेंगे और जो हमारी मीटिंग जो अभी भी हो रही हैं, जो कार्यकर्ता हमारे आ रहे हैं, अन्य और लोग आ रहे हैं, वो जाति के आधार पे नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस को सुनने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, क्या कांग्रेस करेगी, ये चीजें सुन रहे हैं। और हमें ये पूरा विश्वास है कि अंत में आकर जब राजनीति और सरकार की बात आएगी, तब वो सरकार यहाँ की जनता चुनेगी जो उसे लगता है कि हाँ कुछ हमारे हित की बात कर सकती है, न केवल जात बिरादरी के आधार पे, लेकिन जरूरत के आधार पे, आवश्यकता के आधार पे। आपको भी कांग्रेस में जैसा माना जा रहा है कि आप ब्राह्मण काफी मतदाता हैं कांग्रेस में, उनको प्रभावित करने के लिए, उनको लुभाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाया गया, ये बात सही भी है कि कांग्रेस के साथ जब तक ब्राह्मण था तब तक सत्ता उसके पंजे में थी, ब्राह्मण अलग सत्ता अलग, तो क्या लग रहा है ब्राह्मण वर्ग फिर उसी स्थिति में आएगा जैसे पहले? अरे कहा नहीं, ये कहा जा रहा है जी, तो कहने दीजिए, लोगों को सुनने दीजिएगा। इत्तफाक है कि मैं ब्राह्मण भी हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेरा रिकॉर्ड रहा उसकी वजह से लाया गया है, और हमारा मेरा बिल्कुल ये है कि सबको साथ लेना चाहिए। ब्राह्मण तो हुई मैं, उसमें वो नकार नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन सबको साथ, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी जाति का, जैसे मैंने कहा आवश्यकता के अनुसार। कांग्रेस में अक्सर ये कहा जाता है कि गुटी राजनीति बहुत होती है, उत्तर प्रदेश में भी अभी गुटी राजनीति बहुत है, क्या लग रहा है कि गुटी राजनीति कुछ आपके आने से कम हुई है या कुछ? इस वक्त तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हम लोग यात्राओं में बहुत फंसे हुए हैं और अपनी बुनियाद और अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसमें सबका एक मत हो जाता है, जिसको जो कहना होता है वो कर देते हैं। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी जी हैं, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है। आपके जो थिंक टैंक माने जाने वाले प्रशांत किशोर जी के बारे में कांग्रेस में ही दो विचारधारा, एक का मानना है कि इनकी अवस्था है, एक का मानना है कि इनकी अवस्था नहीं है, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रशांत किशोर जी पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी हम हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेटजिस्ट हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी पॉलिटिकली एक्सेप्ट होती है नहीं होती है ये तो कांग्रेस पार्टी जानती है ना, तो ये एक उनको राय देने के लिए है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, और कोई वो कोई कांग्रेसमैन नहीं है मेरे ख्याल में, उन्होंने औरों के लिए भी काम किया हुआ, तो ऐसा नहीं है। कि आजकल लगता है कई नेताओं के जो टिकटार थी हैं, उनकी भीड़ उनके यहाँ भी काफी लग रही है, तो चलिए जो टिकट मांग रहा है वो उनके पास भी जाता है, हमारे पास भी आता है, सबके पास जाता है, जो टिकट मांगता है हमेशा परंपरा ऐसी रही, वो सबके पास जाता है, क्या जाता है या जाती है जो भी। प्रशांत किशोर के मामले में जो लोग उनसे इत्तफाक नहीं रखते, उनका कहना है कि अगर जीत गए तो प्रशांत किशोर जी की क्रेडिट, हार गए तो कार्यकर्ताओं की क्रेडिट, तो
क्या लगता है कि कहने की बात है, सोचने की बात है, चर्चा की बात हो सकती है, लेकिन जीतेंगे तो कांग्रेस की वजह से जीतेंगे। राजनीतिक पार्टी तो कांग्रेस है भाई, प्रशांत किशोर तो नहीं है ना। और नहीं जीतेंगे तो भी हमारी अपनी पार्टी पर आएगा। कांग्रेस में बड़े वर्ग का मानना है, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आना चाहिए, प्रशांत किशोर जी ने भी ये कहा था आना चाहिए था, मुझे लगता है आप सब लोगों की भी राय थी। तो क्या कारण रहा कि आप लोगों ने प्रियंका को अभी तक राजनीति में नहीं लाए? देखिए, प्रियंका की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब फैसला क्या कब करेंगी, क्या कैसे करेंगी, वो उनके ऊपर है, क्योंकि उन तक ये बात तो पहुंचाई गई है कि भाई हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका जी आए। अब फैसला वो करेंगे। क्या लगता है कि चुनाव चुनाव के वक्त में दो चार सभाएं तो यही है कि आएंगी, प्रियंका जाएंगी। तो आगे जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद या चुनाव से पहले क्या भविष्य देख रहे हैं, सत्ता में आएगी कांग्रेस या किसी को सपोर्ट करेगी? तो ऐसा ही कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी बन रही है, जिस तरह से हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस 27 साल के बाद सत्ता में आए, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी उद्धार हो। और उम्मीद हमें यही है, और हम जो कार्य करेंगे वो उसी को मद्देनजर रख के करेंगे। कोई गठबंधन होने की संभावना अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, उसका रिस्पांस कार्यकर्ताओं में कैसा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने वो तीन बुनियादी बातें जो एग्रीकल्चर से कृषि से रिलेटेड हैं वो उठाई हैं, जो सबको भा रही हैं, कि उसके बिजली के बिल आदि करेंगे, उसको कर्जा माफ करेंगे, और जो उसके जो उपज का पैसा जो उसको मिलना चाहिए वो उसको सोच समझ के कि क्या लागत रही है, कैसे देना चाहिए, वो करेंगे। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स बहुत बहुत अप्रिशिएट किए गए। शीला जी, एक बात और, ये कांग्रेस में हमेशा टिकट को लेकर जो उठापटक होती है, लोग इधर उधर जाके अपना जुगाड़ जिसको कहते हैं टिकट ले लेते हैं, जो वास्तव में जमीनी क्या करता है वो वंचित रह जाते हैं। तो इस बार क्या कोई फार्मूला कांग्रेस ने नया अपनाया है जिसके आधार पे उन्हीं का करता हूँ टिकट मिले जो वास्तव में धरातल पे काम करता है? कांग्रेस को क्यों कह रहे हैं, सब पार्टीज में यही होता है। और विनेबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, विनेबिलिटी जिसकी रहेगी तो उसी करके, और बैलेंसिंग कि सबको कहीं ना कहीं सब जातियों को, सब बिरादरियों को, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, तो इस तरह से हम चलते हैं। हो सकता है कभी कभी कमी हो जाती है, लेकिन नॉर्मली हमारा फॉर्मूला यही होता। तो अभी तक कोई आधार आपने रखा कि नहीं? आधार हमेशा रहा है, अब भी यही रहेगा, आगे भी यही? हाँ, हमेशा हमारा यही रहा है, विजिबिलिटी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सबका होना चाहिए, ये है। शीला जी, कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश? अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें जितना जितना हम घूम रहे हैं दिन ब दिन, ये विश्वास जरूर बढ़ता जा रहा है कि हम सरकार बना सकेंगे। क्या आप इस बीच में कोई गठबंधन की राजनीति करेंगे? गठबंधन अभी तो नहीं सोचा है। अब अखिलेश जी का जरूर एक स्टेटमेंट आया था कि राहुल जी के बारे में, तो उन्होंने एक संकेत दिया है, पर हमारी तरफ से अभी कुछ नहीं। अखिलेश जी ने कहा कि राहुल अच्छे लड़के हैं, उत्तर प्रदेश में आते जाते रहे तो विकास होगा, तो क्या आप किस नजरिए से देख रही हैं? ये तो अखिलेश जी ने कहा, हम लोगों ने तो किसी ने कुछ कहा नहीं है, हमने तो सुना है उनको। तो आगे अभी कोई गठबंधन की पॉलिटिक्स अभी, अभी कोई चर्चा उस पर है नहीं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आई हैं और कांग्रेस ने आपको चेहरा बनाया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी तय करेगी, मुझे मैंने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन पार्टी है। मैं चाहूंगी कि मेरा टाइम औरों में चीजों में जाए, देखा जाएगा बाद में, जब सरकार बनती है तो फिर लड़ सकते हैं। अगर पार्टी ने चाहा आपको चुनाव लड़ाने के लिए, तो क्या आप पुराना कन्नौज क्षेत्र कहेगी? वो तो फिर उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। तो चुनाव कौन सा चुनाव क्षेत्र तय करना चाहेंगे आप? अभी मैंने तय नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो अभी तय नहीं किया। प्रदेश की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? प्रदेश की जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, और हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ
कि भैया 27 साल बहुत आप लोगों ने भुगत लिया है, उत्तर प्रदेश ने भुगत लिया, अब आप बदलिए और उस पार्टी को लेकर आइए जिस पार्टी ने इस देश को बनाया है 70 साल में के आजादी में, 61 साल तो और जितना भी कार्य इस देश में हुआ है वो सब कांग्रेस की वजह से हुआ है, कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ है। कांग्रेस ने आवाम को, सोसाइटी को एकजुट रखा है। इन सब इसकी खूबियों को देखकर कांग्रेस को ही वोट दीजिएगा। ये थी शीला दीक्षित जी। इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, हम सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड सहारनपुर।